संसार में पतित था गुरु ने उठाया, अज्ञान का तिमिर था गुरु ने मिटाया। आचार्य है तरण तारण ज्ञान धारी, विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। धर्म स्नेह बंधुओं, मनुष्य का जन्म दो दफा होता है, पहला माँ के द्वारा होता है, दूसरा गुरुओं के द्वारा संस्कारित करने पर होता है। संस्कार का अर्थ है चमकना। संस्कार जड़ चेतन सभी का होता है। धन है अग्नि संस्कार, सब्जियों का संस्कार, औषधियों का संस्कार, पाषाण का संस्कार, विवाह संस्कार, गर्भ के संस्कार और मंदिर में आने के संस्कार। पत्थर तब तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है। पत्थर तब तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है। पत्ता तब तक सलामत है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है। इंसान तब तक सलामत है जब तक वो परिवार से जुड़ा है, क्योंकि परिवार से अलग रहकर आजादी तो मिल जाती है लेकिन संस्कार चले जाते हैं। संस्कार बहुत कीमती चीज है। महानुभाव, जिन बच्चों पर माता पिता ने नमोकार के संस्कार दिए हैं, वो अंतिम श्वास पर उस महामंत्र पर श्रद्धा रखते हैं और हजार समस्याओं से निजात पाते रहते हैं। अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ ही समय रोएगा, मगर संस्कार ना दिए जाएं तो वह जीवन भर रोएगा। आज माता पिताओं की बड़ी ड्यूटी बनती है। भौतिक शिक्षा बहुत ज़्यादा कीमती नहीं है लेकिन नैतिक संस्कारों की बहुत ज़रूरत है। नैतिक संस्कारों के कारण ही आदमी खड़ा होता है। नैतिक संस्कारों के अभाव के कारण परिवार के दुख बढ़ते हुए चले जाते हैं। आज़ाद रहिए विचारों से लेकिन बंधे रहिए संस्कारों से। जो आदमी अपने तीर्थंकरों के द्वारा स्थापित चारित्र का वर्णन किया गया है उस राह पर चलता रहता है तो जीवन में आनंद ही आनंद बना रहता है। मन के जिस दरवाजे से सक अंदर प्रवेश करता है, प्यार और विश्वास उसी दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। आज नई पीढ़ी का धर्म की ओर श्रद्धान घटता चला जा रहा है। सोचते हैं मंदिर जाने से क्या होगा, नॉनवेज छोड़ने से क्या होगा, शराब छोड़ने से क्या होगा। सारा संसार इन सब का स्वागत कर रहा है। यदि इन सब बुराइयों से अलगाव की स्थिति बनाएंगे तो सोचता बैकवर्ड कहलाऊंगा, लेकिन बैकवर्ड नहीं। वही व्यक्ति पहली पंक्ति में बैठने वाला होगा जो व्यक्ति अपने विश्वास को धर्म के साथ जोड़ के चल रहा है। धर्म के संस्कार गर्भ में ही माँ के द्वारा बच्चे को मिल जाते हैं। पंडित प्रवर आशा दर्जी ने कहा है कि बच्चे के जन्म लेते ही उसे घुट्टी में महामंत्र नमोकार के संस्कार दिए जाते हैं। क्यों? जिंदगी को खुश रहकर जियो। संस्कार मिलने पर ही खुश रह करके जी सकते हैं। जिंदगी रोज छोटी होती चली जा रही है। जिंदगी को खुश रह करके जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूर्य ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है।
जीवन की एक एक श्वास घटती जा रही है। इसे कहते हैं आवीची मरण। 17 प्रकार के मरण में एक आवीची नाम का मरण है, जो प्रति श्वास के साथ हमें मौत की ओर लेता जाता है। लेकिन इंसान सोचता है कि नहीं, मैं तो अभी जवान हो रहा हूँ। आप बोलचाल में कहते हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने पुराने हैं, लेकिन जब कहते नहीं पुराना नहीं, मैं तो नया हूँ। लेकिन सच्चाई है, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने पुराने हो गए, आप कितने जी चुके हैं, बचा क्या हाथ में। लेकिन फिर भी आदमी सोचता है कि मैं बहुत जी रहा हूँ। लेकिन समय और सिंधु की लहरें कभी लौट करके नहीं आती है। डेथ कीप नो कैलेंडर्स, मृत्यु ग्राहक कभी कह के नहीं आते हैं। जब मृत्यु ग्राहक कह के नहीं आते हैं, इसलिए आप हर वक्त अपनी शॉप पर काउंटर पर खड़े रहने को तैयार रहते हैं। महानुभाव, ये संस्कार आपके पिताजी के माध्यम से मिले, इसलिए सारे कामों को छोड़कर आप काउंटर पर खड़े हो जाते हैं। रुचि और आस्था पूर्वक डाले गए संस्कार ही आगे काम आते हैं। बच्चे को संस्कार दिए आपके पिता ने, इसलिए आज बिल्कुल काउंटर पर खड़े हुए हैं। और यदि भाग जाते हैं तो कुछ पा नहीं सकते हैं। संस्कार सब्जी पर डाले जाते हैं, संस्कार औषधियों पर दिए जाते हैं। मैंने सुना है 64 पहरी पीपल, 64 प्रहर तक पीपल पर मूसल पड़ते 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 64 पर कितना समय बीत जाता, कंटिन्यू मूसल पड़ता रहता है, पड़ता रहता है, पिटता रहता है, पिटता रहता है, कितना संस्कारित हो जाता है। तब मनुष्य की हड्डी का बुखार भी दूर हो जाता है। शरीर का बुखार दूर करने में उस पीपल के ऊपर जो 64 पहर तक प्रहार किया गया है मंत्रों के साथ, उसके कारण ही मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, संस्कारों से बड़ी बसीयत कोई भी नहीं है, और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं है। इसलिए आप संस्कारों की बसीयत मिलने पर पीछे न रहें और ईमानदारी की विरासत लेकर के चलें। आपका जीवन महान होगा, श्रेष्ठ होगा, सुंदर होगा। इस कलयुग में रुपया चाहे कितना भी गिर जाए, इस कलयुग में रुपया चाहे कितना भी गिर जाए, इतना कभी ना गिर पाएगा जितना रुपये के लिए इंसान गिर चुका है। इंसान रुपये के लिए अपने सारे संस्कारों को छोड़ने को तैयार बैठा है, लेकिन रुपये से कभी सुख मिलने वाला नहीं है। जो माता पिता और गुरुओं के माध्यम से हमें संस्कारित किया गया है, उन संस्कारों को उम्र भर व्यक्ति को ध्यान देने की ज़रूरत है। जो व्यक्ति संस्कारों का ध्यान रखते हैं, वह व्यक्ति ही जिंदगी में जी पाते हैं। मैं आपके जीवन को एक सुसंस्कारित देखना चाहता हूँ। आदि पुराण में जिनसेन महाराज कहते हैं, जब बाहुबली की माँ उनके बालों को उतार रही थी चोल गर्भ में, तो कहती मुंड भागी भव, हे मेरे लाल, मैं तुझे लुंचित मुंड वाला देखना चाहता हूँ, अर्थात केस लॉन्च करते हुए, अर्थात मुनि बनते हुए देखना चाहती हूँ। बाहुबली की माँ कितने अच्छे विचार रखती है संस्कारित करते वक्त, और आज की माताएं अपने बच्चों को संस्कारित कब कैसे कहाँ समझ ही नहीं आता है। आज जो भी संस्कार होते हैं सब ब्यूटी पार्लर में होते हैं। कोई संस्कार की प्रक्रिया आज हाथ आपके नहीं रह गई है, छूटती जा रही है। बाहुबली की माँ अपने बच्चों को संस्कारित करती हैं। आप भी यदि अपने बच्चों को संस्कारित करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बाहुबली जैसे पुत्र का आगमन आपके परिवार का सुख बढ़ाने में कामयाबी देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूँ। वो चाहता हूँ कि सच्चे देवगुरु शास्त्र में गहरा विश्वास करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें तो जीवन स्वर्णिम होगा। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय।